Hey my loves, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So again, I have received a sample size product and this time I got this one from Mario Badescu. Yeah, I think recently Nykaa pe launch hua tha and I have received this enzyme cleansing gel. Okay, so we're gonna discuss little bit about the ingredients. I use this and then we're gonna come to a conclusion like whether I will be repurchasing the actual size of this one or not. So if you're interested, then please keep on watching. And if you're new to my channel and if you haven't subscribed to my channel yet, then please consider subscribing, click on that red subscribe button and hit on the notification bell as well so you never miss any of my videos. And if you're not following on Instagram yet, then please come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. That's how this pouch looks like. इसका जो actual size का picture है वो मैं यहाँ side पे screen पे डाल दूँगी, आप देख लेना. Now ये मुझे 10 gram की quantity receive हुई है. Okay, so let's see कितने दिन ये चलती है. It say कि इसके अंदर papaya है and grape fruit है. Okay, which gonna remove the excess oil and कोई भी impurities हैं उनको निकाल के आपके skin को, आपके complexion को bright और fresh बनाएगा. Okay, so full ingredient list में yes आपको कुछ humectants मिल जाते हैं. Then कुछ mild surfactant है and then it has papaya fruit extract. Now papaya we all know is full of rich in pepain enzyme. उसके अंदर pepain enzyme होता है. Now इसी वजह से इसका जो नाम है it's enzyme cleansing gel. Now if you have seen my science behind skincare में chemical exfoliation वाला part, तो उसमें मैंने आपको basic एक्सफोलिएशन के बारे में बताया है. देन फिजिकल, केमिकल एंड एंजाइम एक्सफोलिएशन के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि क्या क्या है, कौन सी बेटर है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए. अगर आपने वो मिस करी है वीडियो, यहाँ लिंक दे दूंगी, यहाँ से उसको देखना ज़रूर, यानी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. बेसिकली अबाउट एक्सफोलिएशन एंड स्पेशली दिस एंजाइम वाले के बारे में मैंने उसमें बात किया है डिटेल में, तो वो चेक कर लेना, ठीक है. उसके बाद इसके अंदर ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है एंड देन परफ्यूम फ्रेग्रेंस है एंड देन सम प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल, ठीक है. सो अब इसको ट्राई करके देखते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स ट्राई दिस वन आउट. ओके, यहाँ से ही खुलेगा. ओके, सो दैट्स द टेक्सचर ऑफ दिस वन. यू कैन सी ये जेल फॉर्म में है. अभी देखते हैं. इट हैज अ, आई डोंट नो किस चीज का फ्रेग्रेंस है, बट फ्रेग्रेंस तो है. ओके, सो यू कैन सी डजंट फॉर्म एट ऑल. ओके, सो इट डज क्लीन वेल. ओके, मैंने इसे पहले माई सेलर वाटर से फर्स्ट क्लेंज किया था एंड देन ये सेकेंड क्लेंज था. सो एज यू कैन सी फोम बिल्कुल भी नहीं बना है इसमें, बट येस काफी अच्छे से क्लीन किया है. हे गाइस, सो लेट्स ट्राई दिस वन आउट अगेन. बीच में मैंने इसको दो बार यूज किया था एंड आई फाउंड इट कि इसको आपको यू नो ज्यादा वेट स्किन पे नहीं अप्लाई करना है बिकॉज एज इट्स अ जेल, सो यू हैव टू जस्ट मसाज इट ऑन योर स्लाइटली वेट फेस. यू जस्ट हैव टू मसाज इट फॉर अ मिनट एंड देन जस्ट wash it with lukewarm water. Has enzyme like pepain, so वो आपका जो फेस है उसको mildly exfoliate करने में help करेगा. And I have been using it and this has been working fine. This face wash is not for the night time. I feel because उस दिन मैंने रात के time पे इसको use किया था, like after first cleanse and this was my second cleanse. अनडाउटेडली क्लीन तो इसने किया था, बट एज यू गाइज नो आई प्रेफर फॉर्मिंग फेस वॉश फॉर द नाइट. सो मुझे उतना नहीं ये अच्छा लगा फॉर द नाइट, बट येस फॉर द मॉर्निंग इट्स रियली रियली गुड. लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी जेंटल एक्सफोलिएटर जो आपके स्किन को बहुत ही माइल्डली एक्सफोलिएट करे, देन यू कैन गो फॉर दिस वन. आई काइंड ऑफ लाइक इट, बट आई फील इट्स वेरी वेरी प्राइसी. सी, इट फील्स लाइक ऑयल, राइट? जैसे आप कोई ऑयल क्लेंजिंग करते हो ना, तो बिल्कुल वैसे फील हो रहा है. यू सी, बहुत आराम से चल रहा है. पहले मेरे को लगा था कि इट्स लाइक माय हिमालय का फेस वॉश, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एज यू कैन सी. ओके गाइस, इट क्लीन्स रियली वेल. ओके, बट इट लीव अ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ऑन योर फेस. ओके, क्लीन अच्छे से करता है अनडाउटेडली, बट एज आई सेड इट्स परफेक्ट फॉर द मॉर्निंग टाइम. एंड
अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है देन आई थिंक इट्स गोना बी अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू. बट आई फील इट्स बिट प्राइसी एंड वेदर आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस आई थिंक नो बिकॉज इट्स बिट प्राइसी. थोड़ा सस्ता होता या अगर फ्री में मिल जाएगा देन इट्स फाइन, बट अपने पैसे लगा के खरीदना आई थिंक no. So that is it guys, that's all about this video. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next video guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.